गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग थोड़ा सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह चालू हो रहा है। मतलब करीब अभी 6 बज रहे हैं डॉट। तो भाई दिन का शुरुआत और चाय ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फटाफट चाय पी रहे हैं और आज अपनी राइड है लोनावाला। तो बहुत दिनों बाद भाई राइड के लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा सुबह उठ के जो फील है ना राइड का, कि बहुत दिनों बात कर रहे हैं। तो आज बढ़िया 10R लेके जा रहे हैं राइड के लिए। और अपना ग्रुप तो ज्वाइन करने ही वाला है, तो आप ब्लॉग में देखना आगे कौन कौन ज्वाइन करता है अपने को। उजाला हो गया जिसके लिए वेट कर रहे थे। अबे भाई अपने बाइक को लगे है सुबह सुबह भूख, तो पहले अपन फ्यूल अप करते हैं, एयर प्रेशर चेक करते हैं। और बाइक में था भाई पंचर जो मैंने घर पे निकाल दिया। बहुत मेहनत लगी क्योंकि भाई सुबह सुबह ये साइड पंचर वाला मिलता नहीं है, तो मुझे खुद ही निकालना पड़ा। तो अभी एयर चेक करा के फिर निकलते हैं फ्यूल अप, और फिर यहाँ से एयर भर के बढ़ते आगे भाई, क्योंकि यहाँ से जाना है सीधा पाम बीच। और ये रहा जो पंचर जो मैंने फिक्स किया है अभी घर पे, तो होप ये लग गया है। तो भाई फ्यूल अप तो हो गया, करीब 1500 का पेट्रोल भरा है। और भाई अच्छा खासा उजाला भी हो गया, तो अभी मतलब राइड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। अभी बस एयर चेक कर लेते हैं भाई। तैना जो लाउड है ना, नो कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट लाउड है भाई, ये नेक्स्ट लेवल। H2 के बाद में अगर इस पे बैठे ना तो बहुत पावर कम लगता है, क्योंकि भाई वो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। कैसे इसको हमें देखना पड़ता है कि हम मीटर देखते हैं इसका, कि अरे भाई 100 चली गई, 120 चली गई, 150 चली गई, 200 चली गई। H2 का ऐसा नहीं, H2 का हम खींचते हैं मीटर देखते हैं सीधा 200 ही दिखता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। बारिश नहीं चाहिए, बारिश छोड़ के कुछ भी चलेगा, ट्रैफिक भी चल जाएगी एक टाइम की, बारिश नहीं होनी चाहिए। भाई जिस बात का डर था वही, मतलब हल्का हल्का पानी चालू हो गया है भाई। राइड के स्टार्ट में गीला नहीं होना है मुझे, तो देखो आगे तो आसमान क्लियर दिख रहा है। यहाँ बारिश क्यों हो रहा है पता नहीं, अगर कैमरा में आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे वाइजर पे हेलमेट के नहीं का थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। तो लेट्स सी भाई कैसी किस्मत होती है अपनी। तो गाइस देखो वाशी ब्रिज तो अपन ने क्रॉस कर लिया है, लेकिन भाई जो सामने नज़ारा दिख रहा है उससे ऐसा मुझे तब से लग रहा है कि आगे बारिश हो रही है, आगे बारिश हो रही है, लेकिन अब तक बारिश हो तो नहीं रही है। मतलब पीछे अपने को थोड़ा थोड़ा पानी लगा था, अभी अब बारिश है कि फॉग है वो पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप दूर देखोगे तो थोड़ा बारिश गिरने टाइप लग रहा है अभी। तो भाई बस भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बारिश ना हो, ये राइड अपनी होने दे बढ़िया, क्योंकि बहुत दिन से अपन बारिश के लिए भाई राइड नहीं कर रहे थे। और फाइनली आज ऐसा दिन मिला है कि भाई आज बारिश नहीं, मतलब कल रात से बारिश नहीं, तो हमने भाई ये मतलब ये मौके का फ़ायदा उठा लिया और तुरंत राइड के लिए निकल गए। देखो पाम बीच भी आ गया है, तो ये ब्रिज से लेते हैं अपन लेफ्ट, और अपने को रुकना है ब्रिज के नीचे लेफ्ट लेके, तो वहाँ मीटअप पॉइंट रखा है। देखो यहाँ तक तो बारिश नहीं हुआ है, अपने दोस्त लोगों को भी आने देते हैं भाई। तब तक भाई आपको मैं बताता हूँ अपनी बाइक लक कैसी रही है भाई। ये रही अपनी बाइक भाई, जितना मतलब इतना सेक्सी भाई, बाइक सबसे सेक्सी चीज है ये दुनिया में।
तो भाई आज का लाइनअप देखते हैं अपना क्या क्या होता है। तो भाई आपको एक बाइक दिख रही होगी, कोने 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 भाई, R1 पे सागर भाई। तो भाई R1 मतलब ये भी भाई बहुत सेक्सी बाइक है, और देखो भाई कितना कार्बन फाइबर लोड है इसमें, पूरा कार्बन फाइबर ही लोड है। बस एक ही है कि भाई इनलाइन फोर वाला आवाज नहीं है। तो भाई ये लोग भी आ गए हैं, अरे ये तो सागर भाई की बाइक है। तो भाई ऐसा अपने को लग तो रहा था रास्ते से कि बारिश होगी होगी, लेकिन भाई अभी तक सेफ है, अब बस जाके आने तक नहीं होना चाहिए भाई, बहुत दिनों बाद राइड को निकले। देखो भाई लाइनअप देखो, अभी 3 TNR हो गई है, 1 R1 हो गई है। तो भाई और सब में SC प्रोजेक्ट लगा है, तो तबाही होने वाली है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आगे पाम बीच ओपन रोड, बस सुबह सुबह भाई ऐसा ट्रैफिक थोड़ा कम होना चाहिए। चलो R1 देखो भाई, आज R1 TNR हो जाए। H2 और TNR तो हमने किया था, अपने भाई मेरे इंस्टा के रील पे देखा ही होगा, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो भाई जाके पहले फॉलो करो, क्योंकि वहां डाला था हमने H2 vs R1। थोड़ा थोड़ा पानी चालू हो गया भाई, बारिश ही तो नहीं चाहिए अपने को, तो वही चालू हो गया है। भाई बारिश बारिश, ये जो हल्का हल्का बारिश है ना गाइस, यही नहीं चाहिए। सिग्नल लग जा रहा है, भाई मजा आ गया भाई पाम बीच के।
ऐसे मौसम में भाई लोग देखो भाई बढ़िया पहाड़ चढ़ के वहाँ से व्यू का मजा ले रहे हैं भाई। हमें भाई देखो भाई हर जगह लाउड है, लेफ्ट में लाउड है, राइट में लाउड है। ओके तो गाइस ये बारिश नहीं है, ये फॉग है। भाई ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं क्योंकि H2 तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे देती है, लेकिन इसमें देखो अभी हमने ड्रैग किया तो इसमें भी भाई टेनर आगे तो जा ही रही है नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं दे रही है। क्या ही मौसम है, मतलब बारिश नहीं है लेकिन ये पूरा फॉग है, तो भाई पूरा राइड हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई बैक पैड फॉग देखो भाई फॉग, मतलब पैसा वसूल राइड है, पैसा वसूल। अपन देते आ रहे हैं भाई सबको जबरदस्त फ्लाई बाय, लेकिन भाई मौसम का क्या ही कहना है, जितना तारीफ करो उतना कम है। ये सागर भाई ने ले लिया बदला भाई, अभी अभी बंदे ने बदला ले लिया फुल कड़क भाई। भाई देखो ये बिल्डिंग हर बार दिखती है, बिल्डिंग भी नहीं दिख रही, इतना पा गया भाई, मतलब किस्मत देखो बारिश नहीं हो रही लेकिन फॉग तो फुल है। क्योंकि भाई यहाँ से रोड कुछ ऐसा है, अगर कोई वहां से स्पीड से आए ना तो भाई इधर गिरना ही है, इधर बच ही नहीं पाओगे आप, कुछ भी करके बच नहीं पाओगे। लेकिन भाई फॉग देखो क्या ही फॉग हो रहा है, मतलब लोनावाला भी नहीं पहुंचा और फॉग देखो भाई कड़क भाई कड़क। तो गाइस टोल कर दिया अपन ने क्रॉस, तो भाई टोल के बाद थोड़ा अच्छा रोड लगता है, तो अभी भाई थोड़ा लेते हैं रोड और मौसम का मजा और अपनी बाइक को कैसे पुल करते हैं।
क्रॉसिंग देख के चला थोड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रॉसिंग है ना जो स्पीड में दिखेंगे नहीं। अभी हमें तो रोड लर्न हो गया, इससे भाई पता है कि कहाँ कहाँ मेन क्रॉसिंग है। इसके आगे थोड़ा रोड खराब है, यहाँ तक तो भाई रोड एकदम मक्खन है, लेकिन अभी यहाँ से ऐसा रोड है कि भाई इसमें भगा भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा रिक्स वाला काम हो जाता है। देखो पूरा ऐसा रोड है, तो इसमें अगर हम एकदम से भगाएंगे तो टैंक सफर होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। रोड की मैं बात कर रहा था, देखो पूरा ऐसा रोड है, तो ये देखो ये पूरा रिक्स वाला रोड है, तो भाई वो स्पीड ब्रेकर के आगे रोड पूरा ऐसे ही है। भाई सीधा लोनावला, हाँ लोनावला तक का भी रोड ऐसे ही है कि धीरे धीरे संभल के चलाना पड़ता है। लेकिन भाई R1 की टेल लाइट देखो भाई, क्या ही सेक्सी दिख रही है। बीच में ही गंदे हैं। तो गाइस आपको मोस्टली फ्रेम में मैं और सागर भाई दिख रहे होंगे, क्योंकि भाई इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि भाई हमारे साथ जितने हैं सब हमारे साथ रोज राइड नहीं करते, मतलब कंटिन्यू में राइड नहीं करते, और भाई हर राइडर का एक डिफरेंट राइडिंग स्टाइल होता है। तो जैसा कि मैं और सागर भाई बहुत ज़्यादा साथ में राइड करते हैं, तो हमें एक दूसरे का सब पता है कि भाई आगे अगला बंदा कैसा चला रहा है और वो क्या करेगा, तो डिसीजन मेकिंग में भाई कभी कंफ्यूज भी नहीं होता है, और हमारा इंटरकॉम भी कनेक्ट होता है, तो इसकी वजह से रिस्क नहीं होता है क्योंकि हम साथ में इतना चलाते हैं। और भाई जो अपने साथ बाकी के ना ही उनके पास इंटरकॉम है और ना ही वो इतना ज़्यादा राइड करते हैं हमारे साथ, तो इसलिए भाई वो मोस्टली तो पीछे पीछे ही फॉलो करते हैं थोड़ा डिस्टेंस रख के। लेकिन भाई व्यू देखो, मतलब हम इतने बार आ चुके हैं ये रोड पे, इतने बार कि अभी पता भी नहीं कि कितने बार हम आके गए ये रोड से, लेकिन हर बार भाई ये व्यू के लिए पागल हो जाते हैं। और भाई आज जो मौसम ने साथ दिया है, भाई मौसम इज पेड एक्टर इन दिस वीडियो।
बात कर रहे थे भाई संडे की, अभी यही रोड एक अच्छा है राइड करने के लिए, तो सब इधर ही आते हैं। संडे को ऐसा कचरा भीड़ होता है उधर, कचरा भीड़। भाई घाट हो चुका है क्रॉस और ये आ गए अपन टॉप पे। भाई यहाँ से व्यू देखो भाई, भाई व्यू देखो भाई, नाश्ते के लिए उधर से इधर आते हैं, राइड के लिए आते हैं, प्यार के लिए आते हैं भाई। तो गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, सागर भाई भी रेडी हो गए, तो चलते हैं। सागर भाई बोल रहे रेव भाई, बहुत ज्यादा लाउड है भाई, बैक फायर देखो, कड़क 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 ये सबसे ज्यादा लाउड है भाई। व्यू भाई प्यार है इस व्यू से भाई, कड़क 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 भाई कड़क। भाई बस ये रोड का प्रॉब्लम है, बस ये देखते हुए चलाना पड़ता है। तो भाई यहाँ से सागर भाई जा रहे हैं, मतलब सागर भाई रुक रहे हैं, अपन जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ थे वो थोड़ा ट्रैफिक में पीछे अटक गए, तो उनके लिए सागर भाई वेट कर रहे हैं। लेकिन भाई अपने को कुछ दूसरा काम है, तो मुझे जल्दी जाना है, अभी मैं तो निकल रहा हूँ, सागर भाई भी यहाँ अभी वेट कर रहेंगे। तो भाई मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट राइड पे। तो आज का ब्लॉग, हाँ नेक्स्ट ब्लॉग H2 के साथ भाई, H2 के साथ दोनों H2 लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा एंड गुड बाय।